सूरत के तक्षशिला अग्निकांड में करीबन 22 लोगों की मौत हो चुकी है, ये आधिकारिक रूप से आंकड़े हैं। हमारे साथ मौजूद है सूरत म्युनिसिपल कमिश्नर, जो बताएंगे उन्होंने किस आधार पर दो अधिकारियों के साथ कार्रवाई की और क्यों सस्पेंड किया है। सर, क्या उनको मापदंडों के आधार पर सस्पेंड किया गया है? इसमें हमने जो 3-4 महीने पहले एक सिटी में ऐसा इंसिडेंट हुआ, इंसिडेंट के बाद एंटी सिटी को सर्वेलेंस करके उसमें कोचिंग क्लासेस ट्यूशन सेंटर को जितना जो डिटेक्ट हुआ उसके सामने नोटिस देके वो NOC फायर NOC कंप्लेंट्स के लिए नोटिस दिया है। उसके बाद उन्होंने जो कंप्लेंट्स रखा है वो का फायर साधन्स, फायर इक्विपमेंट सिस्टम वगैरह, उसके बाद 180 जितना वो NOC दिया है वो 10 को बंद किया है। उस वक्त ये लिस्ट में, ये विस्तार में, ये इलाका में उन्होंने जो ये बिल्डिंग का सर्वे नहीं किया है, इसके लिए अभी जो वहाँ का डिप्टी चीफ फायर ऑफिसर है SK आचार्य एंड दूसरा एक फायर ऑफिसर है खेती भाई मोड, ये दोनों को अभी सस्पेंड किया है। सर, फायर ऑफिसरों के अलावा जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ है वो किस नह पे हुआ है और उनसे जुड़े हुए अधिकारियों के साथ कार्रवाई होगी? अभी जो डिटेल इन्वेस्टिगेशन ऑनमेन कमेटी, वो पूरी सब का कमेटी अभी कर रहे हैं, उसका जो फाइंडिंग आएगा उसके हिसाब से हम लोग एक्शन लेंगे। अभी तो जो प्राथमिक जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से जो 2013 में उनका जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग का इम्पैक्ट फी अप्रूव हुआ, सो उसके बाद 2015 में CORB दिया है, उसके बाद जो कोई अंदर चेंज किया होगा जो उसका डिटेल इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उसके जो जो कमेटी दोषित करेंगे किसी को भी उनको हम लोग का एक्शन कर लेंगे। फिलहाल जो दो अधिकारियों को सस्पेंड किया उनकी क्या जवाबदेही रही है पूरे इस मामले में? तो मैंने बोला ना, जो एक बिल्डिंग का सर्वे करके कंप्लीट NOC देने के लिए उनको जवाबदारी दिया था, उस वक्त उन्होंने सर्वे नहीं किया, ये बिल्डिंग की सर्वे नहीं किया, इसलिए वो जो बिल्डिंग का जो NOC एंड फायर कंप्लेंट्स वगैरह होना चाहिए था वो नहीं किया उन्होंने, तो उसका थोड़ा कुछ साधन वगैरह था जो ऑपरेट करने के लिए कुछ वहाँ नहीं था, सो इसलिए प्राइमरी ये इंसिडेंट में जो उन्होंने सर्वे करके बिल्डिंग के NOC एंड जो फायर साधन का कंप्लेंट्स नहीं किया है, इसके लिए अभी एक्शन लिया है। सर, आखिरी सवाल ये है कि कल जिस तरह से अग्निकांड हुआ और वहाँ पर कुछ सीढ़ियाँ जो थी फायर की वो ऊपर तक नहीं पहुँच पा रही थी, वो क्या वजह रही होगी? नहीं, इसके लिए मैं आपको ये बताता हूँ, इसका 2-3 क्लैरिफिकेशन आपको देना चाहता हूँ। जो मेरे को अभी बताया, वीडियो क्लिपिंग भी बताया, उसमें जो 24 फायर टेंडर्स वहाँ पहुँचा एंड नियरली 45-50 मिनट्स में वो फायर कंट्रोल कर दिया। उसमें क्या है, वो जो बिल्डिंग ऊपर का बिल्डिंग ऐसे है उसमें 10 मिनट के ऊपर वो वहाँ कंपस्टेबल मटेरियल, टायर्स वगैरह, दूसरा मटेरियल फोमी वगैरह, इन्फ्लेमेबल मटेरियल था, इसलिए वो आग जल्दी हो गया। उसमें से बचाने के लिए वो आग एंटायर डोम बंद हुआ था। सो एंड सेकेंड थिंग, जो हमारा जो कॉल फायर टेंडर का कॉल 4:03 आया, उसके बाद 4:06 जो हमारे पास प्रूफ भी है, वो गाड़ी घटना साइट ऊपर रास्ता ऊपर पहुंच गया एंड वो CD का इशू है। CD जो मैंने अभी तपास किया उसमें इंक्वायरी में तो कोई CD का इशू ऐसा नहीं है, उसमें 3-4 लोगों को बचाया, उसमें भी इंक्वायरी अभी चलता है, उसमें जो खामी होगा हम लोग एक्शन लेंगे। जो अग्निकांड हुआ उसमें पूरी तरह से फायर की टीम ने सही तरह से काम किया है, ये कहना चाहते हैं? ना, अभी जो टीम ने किया है उसमें जो कमी है, इसलिए वो इंक्वायरी कमेटी कर रहे हैं, कमेटी के वो फाइंडिंग आएगा उसके बाद हम लोग एक्शन लेंगे, राइट? तो ये थे सूरत म्युनिसिपल कमिश्नर एंड थन्नारा सिंह, इनका कहना है कि फिलहाल दो अधिकारियों को सस्पेंड किया है और बाकी अभी जांच चालू है, जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सस्पेंशन की कार्रवाई की जाएगी। संजय सिंह राठौर, सूरत।